विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले धर्म सभा की तैयारियां जोरों पर हैं। धर्म सभा में गोरक्ष प्रांत से लगभग 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विहिप के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने बताया कि गोरक्ष प्रांत में 500 बसों व 1,000 चारपहिया वाहन और 2,000 बाइक से लगभग 50,000 की संख्या में लोग विहिप की धर्म सभा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया, अयोध्या में 25 नवंबर को धर्म सभा का आयोजन किया गया है और उस धर्म सभा में अधिक से अधिक संख्या में हिंदू समाज पहुंचने की तैयारी में लग चुका है। अभी तक के प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 500 बसों से 1,000 छोटे फोर व्हीलर गाड़ियों से 2,000 मोटरसाइकिलों से निकलने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त भी अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से और संख्या निकल रही है, लोग जा रहे हैं। राम भक्त काफ़ी संख्या में, लगभग 50,000 की संख्या में इस पूरे गोरक्ष प्रांत से अयोध्या जाने की तैयारी में, निकलने की तैयारी में हैं। ऐसी सूचना अभी तक प्राप्त हुई है और उस आधार पर हमको लगता है कि वह धर्म सभा का जो आयोजन हुआ है वह एक अब तक के सफल आयोजनों में से एक आयोजन होगा और वह जो है हिंदू समाज को एक उत्साह का वातावरण निर्माण करने में वो सभा जो है सफल होगा, ऐसा लगता है। अपने स्वयं के भी तैयारी से लोग जा रहे हैं, कुछ वहाँ भी व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से सबका जो है वो चिंता की जाएगी। सुरक्षा की कोई व्यवस्था की? सुरक्षा के निमित्त जो है वहाँ पर सरकार स्वतः सुरक्षा में लगी हुई है और लगभग हमारे एक 4 से 5 हज़ार कार्यकर्ता जो है लगाए गए हैं वहाँ पर, कि जो पूरे सभा का देख रेख करेंगे, लोगों को समय समय पर स्थान मार्गदर्शन करते रहेंगे, बताएंगे कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना।